विजडम एकेडमी, आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और केवीएस की प्रिपरेशन की सीरीज में मैंने 23 दिसंबर को अपने चैनल पर एक पोल करवाया था कि ईवीएस के अलावा किस सब्जेक्ट पर जो है मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल मैं आपको सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करा सकती, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि हाँ, 2-3 सब्जेक्ट हम साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो इसी सीरीज में आप लोगों के जो वोट है वो सबसे ज्यादा मैथ्स को लेकर के आए हैं, ठीक है। आई थॉट कि जो आपका आने वाला है, मीन्स जो आपका रिस्पॉन्स रहेगा, वो केवीएस का एनआईओएस को लेकर के ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ज्यादा नंबर की है, 60 नंबर की, वो अकेला एक सब्जेक्ट है। तो मुझे लगा आप लोग पेडागोजी को लेकर के ज्यादा करोगे, इसलिए मैंने उस पर ऑलरेडी कल वीडियो बना दी, बट मैं गलत थी। आपका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जो था वो मैथ्स के लिए लेके आया था, तो मुझे लगा कि मैथ्स में बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, सो आई थॉट कि मुझे उस चीज में कुछ वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो इसी में आज हम अपने केवीएस पीआरटी मैथ्स के लिए पहली वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, ये है वीडियो 1, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 6 से, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि देखो 4th और 5th की अगर मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊंगी तो कहीं ना कहीं मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी, क्योंकि वो जो बेसिक है उसमें, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इतना तो आप लोगों को ऑब्वियसली आता ही होगा, और अगर मैं ये चीज आपको दोबारा कराऊंगी तो मुझे लगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी, इसलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आज क्लास 6 से। और उसमें आज हम करने वाले हैं उसका चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 कह लो या एक्सरसाइज कह लो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो का, कि हम इसका बेसिक समझेंगे कि इसमें हमें बेसिक क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। मींस ये चैप्टर जो है नंबर्स के ऊपर है, नोइंग योर नंबर्स, अपने नंबर को पहचानो, तो ये नंबर के बारे में चैप्टर है, तो हम साथ ही उसका बेसिक जानेंगे। सेकेंड चीज हम करेंगे आज एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, आज हम बेसिक भी करने वाले हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज 6.1 ही करेंगे, 6.1 सॉरी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 ही करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम एक दिन में बहुत बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज, हो सकता है किसी किसी वीडियो में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए, वो डिपेंड करता है कि हमारी एक्सरसाइज कितनी बड़ी है, चैप्टर कितना बड़ा है, उसमें कितना कंटेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से, ठीक है। तो वो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है ऑलरेडी इसमें भी कहीं ना कहीं काम आने वाला है, मुझे आपको ऑलरेडी वो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल पहले बेसिक बताऊंगी तभी आगे बढ़ूंगी, अगर मैं आपको पहले ही आगे का बता दूंगी तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो कुछ फायदा नहीं रहेगा। इसलिए मैं 5th क्लास की मैथ्स नहीं लेकर के चल रही, डायरेक्ट 6th क्लास से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो पूरा बेसिक 5th का ही है, करवाना वो मुझे यहाँ पे भी पड़ेगा, बताना पड़ेगा जो बेसिक चीजें हैं। तो हम क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और हम बेसिक करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो चैप्टर का नाम है, ये है नोइंग आर नंबर्स, कि हमारे नंबर क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले दी हुई हैं, एज सच बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, बहुत बड़े रूप में आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का और इंडियन नेशनल सिस्टम का, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम जो होता है उसका, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम जानने वाले हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ना, हर क्लास का फर्स्ट चैप्टर होता है, अगर आपने प्राइवेट में से करा होगा तो हर क्लास का पहला चैप्टर यही होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर सिस्टम, इंडियन नेशनल सिस्टम, 3rd हो 4th क्लास 5th क्लास यही होता है, और ये बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से आता हो, और साथ में ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से ना आता हो, आपको इसको समझने में प्रॉब्लम होती हो, डिफिकल्टी होती हो, बट डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है ना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का और इंडियन नेशनल सिस्टम का, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्पेशली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बड़ी लॉन्ग फॉर्म में लिखा है, क्योंकि एज एन इंडियन, इंडियन नंबर सिस्टम हमको आसान लगता है, हम यही पढ़ते हुए आए बचपन से, तो ये हमारे लिए आसान है, बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम इससे इतने ज्यादा यूज टू नहीं है, हमें इतना ज्यादा इसकी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा टफ लगता है। तो इसको ही हम डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तो सब कर लेंगे, जो बच्चे फंसेंगे तो वो यहाँ फंसेंगे, तो वो हमें करना है, यहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, जैसे भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमें रटा रहता है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, खरब, ऐसे हमारी सीरीज चलती रहती है। और इंग्लिश में आपको पता है 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, arab, 10 arab, बहुत आसान है हमारे लिए इंडियन में। लेकिन यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में आने लगते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खिचड़ी सी मचने लगती है, मतलब बहुत ज्यादा खिचड़ी पकने लगती है कि ये बिलियन क्या है, 100 बिलियन क्या है, 1,000 बिलियन क्या है, नहीं समझ में आता, उसको हम करेंगे। बट इससे पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको ऑब्वियसली आता होगा बट मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में ये मेंशन है। ठीक है, आपको दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप सिक्स क्लास की बुक का पहला पेज खोलोगे ना, तो आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ही दिखा होगा कि देखो आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो वही है। ठीक है, तो हम वो करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको आता होगा तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आपके लिए बस ये होमवर्क है कि आप मुझे इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाना है आपको। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। ठीक है, ये होमवर्क है आपको, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके मुझे कमेंट में इसका आंसर भेजना है, या चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर इसका आंसर भेज सकते हो। और आई होप आपको पता होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे क्योंकि इतना आसान हमसे नहीं पूछा जाएगा, जैसे सिक्स क्लास के बच्चे की बुक में दे रखा है उतना आसान हमसे नहीं पूछेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना करके चल रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको लगाना है, बस जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए वो इसके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें ना नंबर से संख्याएं बनानी है। ठीक है, नंबर से संख्याएं बनानी है। अभी नंबर से संख्याएं बनाने वाला क्या खेल होता है, देखो आपको दे रखा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या लिखोगे 99। ऑब्वियसली दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि इसके बाद हम तीन अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, तो सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या कौन सी है, 99। अगर आपसे पूछा जाए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लिखोगे 999, क्योंकि इसके बाद से चार अंकों की संख्या आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप क्या लिखोगे, अगर आपसे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9999। ठीक है, ये आप सबको पता है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बट क्या आपको मालूम है इसमें एक जोड़ देने से, इसमें एक जोड़ देने से कितना मिलेगा, 100। ठीक है, इसी नंबर में एक जोड़ देने से हमें कितना मिलेगा, 100। और ये क्या हो जाती है, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये आपके बुक में मेंशन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें ठीक एक जोड़ देने से, हर एक संख्या में एक जोड़ देने से हमें इसके आगे अंकों वाली एक सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। जैसे इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 1000, जो कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 10000, जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो एक 10000, हजार का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। किसी भी अंक की कोई भी सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आई होप आप बता पाओगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, यस आपने सीटेट बिल्कुल दे रखा होगा, सीटेट आप क्लियर करके केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो केवीएस के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे सीटेट में आपने कहीं ना कहीं फेस करा होगा, सीटेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आप 6 बार 9 लिख दोगे, है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा, 6 बार 9 लिख देना। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जहां पे इन संख्याओं का आप यूज कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कराने का मोटिव क्या है, जैसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9999999, और आपसे पूछेगा कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या पता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अगली ही संख्या, एक जोड़ देने पर ही 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो आपसे पूछ लेगा इन दोनों का डिफरेंस बताओ, अब आप क्या लगोगे, फटाफट कैलकुलेशन करने लगोगे, आपने 9999 लिखा, फिर आप 10 1 लाख लिखोगे, 10 लाख 1 लाख जो भी आएगा वो लिखोगे, माइनस करोगे, जबकि हम अपने कॉमन सेंस से तुरंत कोई आंसर निकाल सकते हैं कि आंसर कितना होगा, 1। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, देखो इसमें हो सकता है कि डायरेक्ट एक साथ की पूछ ले और हो सकता है अलग की पूछे। जैसे कि मान लो आपको बोलो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी है ना, और 6 अंकों की छोटी, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से बन सकते हैं, 6 अंकों की छोटी, आपको पूछा है कि डिफरेंस निकालो, डिफरेंस यानी डिफरेंस करना है आपको माइनस। अब यहाँ पे एक बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है,
जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी। अब उनको क्या लगता है कि ये जो छोटी संख्या है ना वो छोटी है और ये जो बड़ी संख्या बोली वो बड़ी है, तो वो क्या करते हैं छोटी में से ही बड़ी कर देते हैं। तो उसका आंसर किस में आना चाहिए? माइनस में। तो जो कि बहुत ज्यादा गलत होता है। ठीक है, आपको पेपर में चाहे आप सीटेट दो या चाहे आप केवीएस दो, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि डिजिट से आप संख्या को नापोगे, संख्या देखोगे, चाहे वो छोटी हो बड़ी उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन काम क्या होगा कि 4 अंकों की संख्या है ना तो ये छोटी रहेगी 6 अंकों से। ऑब्वियसली 6 अंकों की संख्या बड़ी रहेगी ना, क्योंकि उसमें 6 अंक है। भले ही वो छोटी संख्या कह रहा है 6 अंकों की छोटी संख्या, लेकिन वो बड़ी रहेगी किससे? 4 अंकों की बड़ी संख्या से, क्योंकि उसमें 4 अंक है। तो आप ये बड़ी छोटी संख्या, सीटेट में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी थी जो मेरे साथ भी पेपर दे रहे थे कि हमारा तो आंसर फिर माइनस में आ रहा है, कैसे हो गया, क्या है। तो वो माइनस आपके लिए इस चक्कर में ही आ रहा है क्योंकि आपसे आप उल्टा रख रहे हो, इनका आपको डिफरेंस बोला हुआ है। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालने को बोला है। वैसे तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि किस में से किसको माइनस करना है, बट इन केस अगर आपको मेंशन ना किया जाए तो आप बड़ी संख्या ही ऊपर रखोगे। जरूरी नहीं है जो संख्या आपको पहले बोली आप वो करोगे, नहीं, आप बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या माइनस करोगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी होगी, 1,5,1,2,3,4,5,6 यानी 1,00,000 है ना, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9,9,9,9। तो आप इसको क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट निकालोगे, इसको माइनस करोगे। ठीक है, फटाफट से इसको निकाल दो, 10 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, 10 सेकंड में आंसर फटाफट से करके बताओ कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका इन संख्याओं में से बन सकता है, और ऑब्वियसली ये आया भी हुआ है सीटेट में और DTPL SBPRT में भी इस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तो वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो आप कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो इन नंबरों से आपको ये बताना था कि ये बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का सम कितना होगा। तो आपको 4 अंकों की संख्या पता होनी चाहिए, 6 अंकों की संख्या पता होनी चाहिए, आप उनको प्लस कर सकते हो। ठीक है, फिर है 6 अंकों की 4 अंकों का डिफरेंस को हमने कर लिया, इनको प्लस करने के लिए भी बोल सकता है। तो बहुत तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ जो क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑब्वियसली ये इजी है। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे होमवर्क दे रही हूँ जिसका आप आंसर मुझे बताओगे। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है और आपको ये होमवर्क है, आपको ये करके बताने, कमेंट में इसके आंसर है या फिर आप इनको करके टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, मैं आंसर चेक कर लूंगी। बट ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं कि आपकी कैलकुलेशन जो है स्ट्रांग हो जाए, जहाँ पे आप थोड़ा ब्रेन पे थोड़ा सा डालते हो ना प्रेशर, और जो भी कैलकुलेटिव जो चीजें होती है वो क्या करती है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग करती है। ये देखो बच्चे वाले क्वेश्चन है, आराम से 6th-7th क्लास के बच्चे भी आराम से कर लेंगे, बट आपको देने का मोटिव यही है कि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। और जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिमाग में रखना है या क्या ध्यान रखना है, आप इनके आंसर निकालने में गलती ना करो, जो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको अवॉइड करो, आराम से ध्यान से क्वेश्चन करो और आंसर एक बार में सही निकालना। ठीक है, आपकी स्पीड जो भी हो नो मैटर, आपकी एक्यूरेसी 100% चाहिए मुझे। ठीक है, 99 भी नहीं, 90 भी नहीं, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, बिकॉज दे आर इजी फॉर योर लेवल। तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आराम से करने हैं और इसको प्लीज जरूर करना एक बार, बहुत ज्यादा सही क्वेश्चन है आपकी। अगर बिल्कुल आप बिगनर हो मैथ के, मैथ पहली बार पढ़ रहे हो सही से, तो आपको ये करना है। आपको करना क्या है, 8 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से माइनस करना है 6 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 बार 9 लिखोगे और उसमें से आपको माइनस करना है 6 अंकों की छोटी, यानी 1,00,000 को आपको माइनस करना है, और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक जो है अवॉइड करनी है, पहली बार में आंसर निकालना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या जोड़नी है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या जोड़नी है। फिर इसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999, उसमें से 3 अंकों की सबसे छोटी माइनस करनी है, 3 अंकों की सबसे छोटी यानी कि 100, और उसमें आपको जोड़ना है 6 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की माइनस करने के बाद आपको जोड़नी है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप जोड़ोगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और फिर आप माइनस करोगे 5 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन देने का मेरा मोटिव ये है क्योंकि आपका जो लेवल है थोड़ा सा बच्चों से ऊपर है, अच्छा है, आप एक गुड भी टीचर हो, आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा 5 अंकों की संख्या बताओ, 6 अंकों की संख्या बताओ, क्वेश्चन हमेशा ही घुमा के आएगा। बट डेफिनेटली ये आने वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आता है।
तो क्वेश्चन इस तरीके होंगे, 5 अंकों की संख्या में से 6 अंकों की माइनस करो प्लस करो, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब अपना मेन जो हमारा टॉपिक है, जो इस चैप्टर में हमने सीखना है, हम उस पे आते हैं, जो है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम करते हैं। देखो इसमें ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात क्या होती है, पहले तो हम कमा का अपना थोड़ा सा ना कर लेते हैं क्लियर। इसको कॉमा कॉमा बोलते हैं, लेकिन कॉमा नहीं होता, ये कमा होता है। ठीक है, हम कमा को देख लेते हैं क्या होता है। देखो इंटरनेशनल में ना, इंटरनेशनल में क्या होता है, हर 3 संख्या के बाद कमा लगता है, हर 3 संख्या के बाद कमा लगेगा। और जो हमारी इंडियन नेशनल सिस्टम में क्या होता है, पहले तो 3 के बाद लगता है, फिर 2, 2, 2 के बाद लगता है। तो यही एक्सरसाइज 6.1 का आपका 2 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट में क्या है, आपको इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, और थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कमा लगाना है। तो उसमें क्या होगा, पहले आप इसमें 3 पे कमा लगाओगे, फिर 2, 2, 2, 2 पे, और ये इंटरनेशनल तो बहुत आसान है, इसमें 3, 3, 3 के बाद आपको कमा लगाना है। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो आप वो करोगे। मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज कराऊँ, 6.1 कराऊँ, 6.2 कराऊँ, वो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, आपको बतेरी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्व की हुई है। यहाँ पे मेरा मतलब है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, क्योंकि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया, फिर आपके सामने 10 क्वेश्चन दे दें या 100 क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, आपको एक्सरसाइज 6.1 करनी है एज अ होमवर्क। ठीक है, 6.1 आपको करनी है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन अभी होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल है समझने के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे कराऊंगी आपको। अभी आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करोगे तो कैसे मैं समझाती हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन कमा ही लगाने हैं हमें उसमें, ठीक है, कॉमा लगाने हैं। क्या करना है, मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है, हम कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक हमें नंबर दिया हुआ है और हमें बोला है कमा लगा, तो इंटरनेशनल के हिसाब से 3, 3, 3 के बाद लगेगा, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, तीसरा है ही नहीं तो नहीं लगेगा, यानी कि सिर्फ 2 कमा ही लगेंगे इसमें। ठीक है, और अगर हम इसमें बोले कि इंडियन के हिसाब से लगाओ, तो इंडियन में पहले क्या लगेगा, 3 के बाद 1, 2, 3, फिर हम लगाएंगे 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटरनेशनल के हिसाब से सेम नंबर में लिख रही हूँ, तो पढ़ने का हमारा जो थोड़ा सा तरीका है ना, वो चेंज हो जाता है। तो वो चेंज क्यों होता है, अब हम वो सीखेंगे जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है। ठीक है, पहले तो देखो इंटरनेशनल में क्या होता है, पहले हम अपने इंडियन वाला सिस्टम पढ़ते हैं। देखो 1, 10, 100, ठीक है, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़। ठीक है, कितना आसान है ना, कितना सिंपल है, पता नहीं इंटरनेशनल में इन्होंने इतना कंफ्यूजिंग क्यों करा हुआ है। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है समझने में, और अगर उसका नंबर नेम आ जाए तो बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। सीटेट में क्वेश्चन आया था इस तरीके का, ठीक है, कि उसको इंटरनेशनल सिस्टम में बताना था, तो मैं भी शायद फर्स्ट टाइम पे वो गलत करके आई थी। 2018 वाला सीटेट था वो, 2019 के दिसंबर में वो सीटेट हुआ था। ठीक है, तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग मैं भी गलत करके आ गई थी, 21 दिसंबर, हाँ 2019 को वो एग्जाम था। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, डिस्कस करते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, 1, 10, 100, ठीक है, 1, 10, 100, फिर इसके बाद देखो 3 है 3, तो इन्होंने 3 में बांटा हुआ है हमारा। देखो कितना सिंपल है, 1000, 10,000, खत्म, इन्होंने 100 तक उसको लेकर के गए हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000, 100,000, फिर आते हैं यहाँ पे मिलियन। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ना इनका मिलियन आना शुरू हो जाता है, हमारे 1000 के बाद लैक आता है, इनका मिलियन आना शुरू हो जाता है, मिलियन, और फिर आता है इनका 10 मिलियन। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर 100 बिलियन, 1000 बिलियन, इसी तरीके से इनकी सीरीज चलती रहती है। तो देखो क्या चलती है, आपको कमा लगाना है, तो इसमें 3, 2, 2 के बाद, इसमें 3, 3, 3 के बाद। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग सीखेंगे लिखना, इसको पढ़ते कैसे हैं, नंबर नेम कैसे बनाएंगे। 1s में है 6, 10s में है 1, 100 में है 2, ठीक है, 1000 में आता है 3, 10,000 में आएगा 4, 100,000 में आएगा 5, million में आएगा 8, और 10 million में आएगा 9, ठीक है, 10 million में आएगा हमारा 9। तो देखो यानी कि अपने YouTube पर भी देखा होगा किसी के मिलियन में सब्सक्राइबर है, 1 million, 2 million, 3 million, तो 1 million बराबर होता है 10 लाख के। हम इंडियंस लोग जो है ना, हमें बड़ी गलतफहमी रहती है कि 1 million बराबर 1 लाख, 1 million बराबर 1 लाख, 2 million बराबर 2 लाख, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। 1 million बराबर 10 लाख,
2 मिलियन बराबर 20 लाख, यानी 1 मिलियन में बंदे ने 10 लाख गेन करे हैं, ना कि सिर्फ 1 लाख। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे इंटरनेशनल और इंडियन में 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे लेकर के जाओ, हम करोड़ में जा रहे हैं, ये क्या है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करोड़ में चला गया, लेकिन यहाँ पे मिलियन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 10 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर ये मिलियन, तो मिलियन का मतलब यहाँ पे 8 मिलियन, यानी 8 लाख, 8 लाख नहीं है 80 लाख है, 80 लाख, ठीक है 80 लाख। मैं आपको इंडियन से कनेक्ट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्या है 80 लाख है, यानी 8 लाख नहीं 80 लाख, और 80 लाख के बाद हमारे में क्या था करोड़। तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 98 मिलियन, ठीक है। पूरा मिलियन वाला पार्ट एक साथ पढ़ेंगे 98 मिलियन, जब हम इसको इंटरनेशनल में पढ़ेंगे ना तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 98 मिलियन, 98 मिलियन मतलब 9 लाख नहीं 98 लाख, ठीक है 98 लाख अगर आप इंडियन में लेकर के आओगे। तो वैसे तो इसमें क्या होगा 98 मिलियन, ठीक है, यहाँ पे मतलब जब आप इंडियन में करोगे तो ये 9 करोड़ बन जाएंगे, 9 करोड़ में चला गया, जबकि रियल में हम जाएं ये हमारे इंडियन में तो 9 करोड़ है, लेकिन जब इंटरनेशनल में जाएंगे तो ये होगा 98 मिलियन, ओनली मिलियन, जबकि हमारे में करोड़ में जा चुका है, इनके में रहेगा 98 मिलियन 500,000, ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे 500,043। तो इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, देखो 98 मिलियन, ठीक है 5 और ये क्या है 100, 543,000, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ना देखो 1000 के अंदर ही आता है, चाहे ये 1000 है, 10,000 है या 100,000 है, ये 1000 में आ रहा है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे 98,543,000 एट 216, ठीक है 216, ये तो नॉर्मल हमारा इंडियन सिस्टम की तरह सेम ही रहता है, तो ये वैसे ही रहेगा, लेकिन इसको पढ़ा और लिखा कैसे जाएगा 98,543,216, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, वो करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम 8,7,6,4,3,2,1,0, ठीक है, उल्टी काउंटिंग हमने ले ली, बस जस्ट बिकॉज हमें सीखना है कि हम नंबर में कैसे लिखे नंबर लेन में। तो देखो ये क्या हो जाएगा 87 मिलियन, एक साथ आ रहे हैं तो ये पड़ेंगे 87 मिलियन। अगर मान लो यहाँ पे बाई चांस एक नंबर और आ जाए, मीन्स 100 मिलियन में आ जाए, यानी 10 करोड़ से ज्यादा किसी के सब्सक्राइबर हो जाए, सोचो उसमें आ जाए, यहाँ पे कोई और नंबर भी लिख देते हैं, तो मान लो हमने लिख दिया 9, पूरा ही नंबर हो गया हमारा 9876 है ना, 5 मिसिंग है बस, तो ये क्या हो गया, अब इसको पढ़ रहे थे 87 मिलियन, ठीक है, अब यहाँ पे 9 आ गया, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, अब हम इसको पढ़ेंगे 900, ठीक है 987 मिलियन 643,000 and 210, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम लिखते हैं जो हमें करने होता है या हमें नंबर नेम लिखना होता है, तो इस तरीके का हम करते हैं। अब हमें यहाँ पे ना इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 1 लाख बराबर कितने 10,000, 1 मिलियन बराबर कितने 100,000, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में आपको दिख रहा है, 1 करोड़ बराबर -10 लाख, या 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, या 1 मिलियन बराबर कितने लाख, मीन्स दोनों ही ना इसमें मिक्स करे हुए हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम दोनों इसमें मिक्स करे हुए हैं। तो देखो आपके पेपर में एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम से नंबर नेम में चेंज करो, कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अब पूरे पूरे चांसेस है कि ये केवीएस में भी हमारा सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिले और वो आए, तो ठीक है अब हम इसको करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि 1 लाख बराबर -10,000, ठीक है, तो देखो 1 लाख पहले यहाँ पे लिखते हैं, कितने जीरो है इसमें, 5 जीरो है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो इसमें पूछ रहे 10,000। अब आपको क्या करना है, 10,000 के ना टुकड़े करने हैं, 10,000 के टुकड़े कर दो, यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है ना, तो 10,000 के टुकड़े कर दो। तो अब आप एक चीज ये बताओ कि 1 लाख के कितने 10,000 करोगे, 1 लाख के कितने टुकड़े हो सकते हैं 10,000 के, 1 लाख के कितने टुकड़े हो सकते हैं 10,000 के, बोल दो 10 हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, यही बताना था। देखो 10,000 के 10 टुकड़े करें, 10,000 10K+10K+10K, जब हम इनको 10 बार प्लस करेंगे तभी तो हमारा 1 लाख बनेगा, तो यानी कितने 10,000 के टुकड़े करे होंगे 10, तो इसका आंसर क्या है 10, कि 1 लाख बराबर 10,000 होंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे भी आंसर ना 5th क्लास के एक बच्चे ने करा था, ठीक है। तो देखो 1 लाख बराबर
10,000 यानी कि 1,00,000 के 10,000 के टुकड़े करे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 1,000,000। 1,000,000 बराबर -100,000। 100,000 देखो इंडियन सिस्टम में तो 100,000 जैसा कुछ नहीं होता, तो आपको इसको इंटरनेशनल वाले सिस्टम से ही देखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे दिमाग में होना चाहिए कि 1,000,000 में होते कितने हैं। अगर हम इंडियन में जाएं तो 1,000,000 बराबर 10,00,000, 1,000,000 बराबर होते हैं 10,00,000। ठीक है, तो 10,00,000 के हम कितने 100,000 टुकड़े कर सकते हैं। 100,000 इन द सेंस मान लो आपके पास 1,000,000 दे रखा है। ठीक है, 1,000,000 का मतलब 10,00,000 आपने यहाँ पे लिख लो। ये वैसे हमने इंटरनेशनल में हिंदी में कर दिया, इंटरनेशनल के हिसाब से कर लेते हैं, 3-3 के बाद कमा लगाते हैं। तो अब कह रहा है इसमें ना आपको 100,000 के कितने टुकड़े कर सकते हो। 100,000 देखो अभी हमने करा 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यानी 0,0,0,0,0 यहाँ पे आपको लिखोगे 1, तो 1, 10, 100,000, 10,000 यानी कि 1,00,000 बन रहे हैं। अगर आप हिंदी में देखो तो 1,00,000 बन रहे हैं, और आपको करने कितने हैं 10,00,000। आप इसको इंडियन में चेंज कर लो, बाकी इससे भी बहुत आराम से हो जाएगा। देखो 100,000 पे हम आ गए, यानी 10,00,000 में आपको 1,00,000 है आपके पास, मीन 100,000 आपसे पूछा हुआ है, 1 हमें दिया हुआ है। तो 10,00,000 में 1,00,000 के कितने टुकड़े हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपको 10 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1,00,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10,00,000 आ जाएगा। तो यानी कि 100,000 के कितने टुकड़े होंगे 10, तो इसका भी आंसर कितना है 10। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत आसान था। अब नेक्स्ट है हमारा 1 करोड़। तो 1 करोड़ में 10,00,000 के कितने टुकड़े हो सकते हैं। देखो 10,00,000 ऑलरेडी दे सकता है। अब 1 करोड़ है, 1 करोड़ में यहाँ पे ये 1 करोड़ ही था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, नहीं 1 करोड़ नहीं था, 1,00,000 कम था, हम बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 1 करोड़ हो गया। अगर इंटरनेशनल से होगा नहीं तो ये हमारा 1 करोड़ हो गया। ठीक है, अब 1 करोड़ में हमें पूछ रहे हैं कि 10,00,000 के कितने टुकड़े कर सकते हो। देखो 1 करोड़, 10,000, 10,00,000 मतलब 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 30,00,000, फिर 10,00,000, 10,00,000, 30,00,000, 30 और 30, 60, यानी कि 10,00,000 के 1 करोड़ में 10,00,000 के कितने टुकड़े हो सकते हैं। सिर्फ 10 ही हो सकते हैं, क्योंकि 10, 10, 10,00,000 मिला करके हमारा 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या है 10। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। ठीक है, 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। अभी हमने पढ़ा कि हमारे 10,00,000 जो हमारे 10,00,000 बराबर होते हैं वो 1,000,000 होते हैं। ठीक है, 1,000,000 होते हैं। अगर यहाँ पे आप 1 0 और लगा दो, ठीक है, 10,00,000 के बाद हम तो सीधे करोड़ में जाते हैं, हम तो सीधे करोड़ में जाएंगे, तो 1 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पे अपने आप ही करोड़ हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप 1 0 बढ़ा दो, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइए, तो 1 करोड़ में भी 10,000,000 होंगे, यानी 1 करोड़ का मतलब भी 10,000,000। तो इसका आंसर भी है 10। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1,000,000 बराबर कितने लाख। तो ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे कि 1,00,000 में मतलब 1,000,000 में कितने लाख होते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, 1,000,000 में हमारे 10,00,000 होते हैं, तो 10,00,000 के कितने लाख आप टुकड़े कितने कर सकते हो, कितने लाख होंगे, 1,000,000 में कितने लाख होते हैं। बहुत आसान है, सबको ही पता होता है सब्सक्राइबर की वजह से। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके साथ ही आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6th क्लास की, आप 1.6 करोगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज 1.6 है। कल हम थोड़ा सा बेसिक टॉपिक करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 करेंगे। बाकी इस वीडियो को एंड करने के साथ ही मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो कहीं से कैसी भी जरा सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज आप इसको शेयर कर दो। वैसे मैंने अभी तक नहीं बोला था, बट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इनमें ना बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, फिर बदले में वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो मोटिवेट नहीं होते हम लोग आगे मतलब बनाने के लिए या काम करने के लिए। सेकेंड चीज, अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसको डेफिनेटली आगे करूंगी। सारी हम 1.2, 1.3 पूरी 6th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, फिर 7th क्लास की, फिर 8th क्लास की। बट अगर ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको ऑलरेडी सारी चीजें आती हैं, पहले से ही पता है, या आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी आपके माइंड में डाउट है, तो आप फ्री हो बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए, आपको बिल्कुल फ्रीडम है, आप बताओ। अगर आपके लिए यूजफुल नहीं है तो डेफिनेटली मैं रोक दूंगी, क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर है, मुझे ये चीजें आती हैं, बट मैं उनके लिए कर रही हूँ जो वो बिल्कुल बिगनर है मैथ्स के लिए। अगर ये आपके लिए अच्छी है तो वेल एंड गुड, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके लिए अच्छी नहीं है तो आप मुझे बता देना प्लीज, मैं इसको रोक दूंगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे।